दोस्तों आप सब लोग सोचते होंगे कि मेरी अम्मा जी इतना फिट कैसे रहती हैं, तो जो उनकी फिटनेस का जो ये राज था वो था ये जो आपके सामने रखा है। दोस्तों आज आपको ले चलते हैं पहले के समय में, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और जो काम होते थे वो हाथ से करने पड़ते थे सारे काम। आज तो दोस्तों जैसे मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, पहले ये सारी मशीन नहीं होती थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, मशीन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो हम जो काम करते थे वो कैसे करते थे। तो कुछ चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊंगा जो हम आज से तकरीबन 40 साल पहले, 30 साल पहले या उससे पहले का जो समय था उसमें जो हम यूज़ किया करते थे। तो ये अभी अम्मा जी से कुछ बात करेंगे और ये जो सामने चीज़ें हैं इन्हें क्या कहते हैं और इनका यूज़ किस लिए हम करते थे तो वो अम्मा जी से जानते हैं। तो अभी अम्मा जी बताएंगी आपको। अम्मा जी क्या क्या, अभी मैं थोड़ा पहाड़ी में ही बात करूंगा क्योंकि अम्मा जी पहाड़ी में बात करती है। अम्मा जी ना जो क्या बोल रहे हैं और क्या है ना उपयोग कर रहे हैं? ये अखड़ी ना। अखड़ी कहने ए बत्तू अतान ना कुटने। अच्छा ये बत्तू। हाँ तो ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि ये डिजाइन बना हुआ है, जो कारीगर होगा उसने शायद ये किसी का नाम लिखा होगा, अभी ये साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो अम्मा जी क्या क्या करा है यह औखड़िया से? तान कुटा है। अच्छा तान, और बड़ुआ कुटला है मेथी। अच्छा भैंस के लिए बड़ुआ कने पोल रे पाल रे रहे ही से भी डुक्की ले ही पिछे। अच्छा और चीजें भी। अच्छा और इस जो क्या बोल रहे हैं अम्मा जी? चकोड़ू। चकोड़ू और इस क्या क्या करा है कम? इस क्या कम दाल भी डाला है। अच्छा आटा भी पीला है थोड़ा मोटा मोटा। अच्छा तारा मीरा भी डाला है। अच्छा और क्या चीज हुई जी? हाँ और मैथी जो मोटी मोटी कणक डाली। अच्छा कणक डाला। अच्छा और क्या क्या करा है कोई काम? और खेता करा है, टिक्का पाना है, रणवाई करा है, का बजा है, और क्या करना। अच्छा जी इस एक ही मतलब जी तो है कल्ले करा है कि और भी जी दूजी दादी या वो भी करा? दो जनियां लगे ही मंगल पाने है। अच्छा दो किस जो मतलब इस जो इस भी बिंदी को था। अच्छा एक की बाणी फिर दूसरी बाणी। अच्छा तो दोस्तों मैं एक चीज और बता देता, आजकल तो मशीन है जैसे घर में आटा ग्राइंड करने की है या लोग चक्की से ले आते हैं आटा। पहले जब पहले का समय होता था ना तो हमारे आसपास जैसे खड्ड वगैरह होती है, नदियां होती है ना, उनके वहां पे एक घराट होता है, वहां पे इस तरह के ना बड़े बड़े इस जैसे चकोड़ू है ना, इस तरह के बड़े आकार के इतने बड़े बड़े चकोड़ू होते थे और चक्की जैसे चक्की होती है, चक्की वो पानी के साथ ही चलती थी और उनमें आटा ग्राइंड करके लाते थे। जैसे हमारे यहाँ सिरखड है पास में तो वहां पे काफी घराट थे, तो अब तो शायद कोई होगा बचा नहीं, तो अब बंद हो गए हैं, तो उनमें आटा ग्राइंड करके लाया जाता था घर को। तो अभी जैसे अम्मा जी बता रहे हैं कि इसमें कभी कभार आटा ग्राइंड कर लेते थे, या भैंस के लिए जो बिनोले वगैरह होते हैं वो हो गया, या तारा मीरा हो गया, या कोई और दाल वगैरह ग्राइंड कर रही हो तो वो कर लेते हैं, गेहूं हो गई वो ग्राइंड कर लेते थे। जैसे ये बत्तू है ना, तो इस बत्तू से जैसे धान को जोर जोर से मारते थे फिर वो जो छिलका होता था ना वो निकल जाता था। अम्मा जी ये जो चकोड़ू रखे कने औखड़ी कने बत्तू ये लंदे कितने थे? एक था ना पीखा लेडी का। अच्छा लेडी सीरियल। हाँ तीने बनाए रहे। अच्छा कने ये अखड़ी गबले पता नहीं कितने बनवाए थे कने आए थे ते ले थे। अच्छा जी दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अम्मा जी और जैसे उनकी एज के जो बुजुर्ग लोग थे उनकी फिटनेस का क्या राज होता होना, क्योंकि अम्मा जी और जैसे अम्मा जी की एज के जो भी लोग थे ना पहले के समय में, वो दिन रात मतलब जब भी सुबह जल्दी उठ करके ये सब काम करना, पानी जैसे बॉडियां होती थी तो बॉडियों से दूर दूर से लाना और खेतों में काम करना, तो कोई जैसे बीमारी भी नहीं होती थी। आजकल हम लोग जैसे कोई भी काम नहीं करते हैं, ऐसे कोई पानी नहीं लाते, सब चीजें घर में ही आ जाती हैं, आटा शॉप से ले आते हैं या घर में मशीन रखी है तो वहां खुद ग्राइंड कर लेते हैं। तो पहले का समय था आटा कम से कम 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल लाना, वहां से लाना पानी 2-2 किलोमीटर दूर से लाना, तो फिर ये सारी चीजें हम डेली करते थे, जैसे पानी लाने का, खेतों में काम करने का जो काम होता था।
तो फिट अपने आप ही ऐसे फिट रहना, कोई बीमारी होनी नहीं थी। दोस्तों ये सारी चीजें देख करके आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि आज का जो समय चल रहा है ना, तो ये सारी चीजें उसमें विलुप्त हो चुकी हैं। ये सिर्फ घर में देखने के लिए ही बची हैं। इनकी जगह जैसे इसकी जगह ले ली है, जैसे हमारे घर में जो मिक्सी ग्राइंडर होता है जो जिसमें हम ग्राइंड करते हैं वो, और इसकी जगह ले ली है जो हमने घर में जैसे आटा ग्राइंड करने के लिए मशीन लगाई है ऑटोमेटेड उन्होंने। दोस्तों ये छोटा सा बेटा है शिवाय, तो अभी मैं इससे पूछूंगा कि शिवाय ये चीजें देखी है कि नहीं, क्योंकि ये अब आज की जनरेशन है तो हो सकता है इनको पता है या नहीं पता है। ये देख के तो अंदाजा लगा सकते हो कि क्या काम होना इसका। दाल पीसते, दाल देखिए कभी दाल पीसते हुए ऐसे घर पे कभी ये कहीं? अच्छा इसमें देखा कभी कोई काम करता हो? नहीं देखा। इसमें ना हम जैसे कोई दाल है, दाल को भी ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे भैंस को तारा मीरा देते हैं ना, तो तारा मीरा भी हम इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। इसमें पहले के समय में ना, आज से 30, 40, 50 साल, 60 साल पहले का जो समय था, उसमें धान धान होते थे ना, धान खेतों में देखे धान होते, वो धान को ना इसमें ग्राइंड करते थे, मतलब उसका छिलका उतारने का काम करते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये बच्चा है, और इसको थोड़ा तो पता है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल भी नहीं पता, जैसे इसने ये चकोड़ू देखे हैं या धान इसको पता है। दोस्तों अभी मेरे पास अनीश आया, मेरा चाचा जी का बेटा, तो अभी मैं इससे पूछूंगा कि ये जो हमारे यहाँ पे सामने है चीजें, इनका नाम और इनका जो काम। अच्छा अनीश ये क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पहले ये बस ये क्या है भाई? इसको चिकोड़ बोलते हैं। चिकोड़ अच्छा, और ये पर क्या है? ये ओखली। अच्छा, और ये बत्तू। बत्तू अच्छा, ये ओखली रखे काम में होता, देखा कभी इसरा उपयोग? अच्छा इसरा तो देखा हुआ, चिकोड़ को देखा। अनीश तुम्हें शर्मा ही पड़ रहा है, शर्मा रहा है थोड़ा सा। दोस्तों सभी अब कैमरा के सामने बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं ना, तो थोड़ा पहले अम्मा जी भी हिचकिचाते थे, अब अम्मा जी फ्रेंडली हो गए, फोटो भी नहीं खिंचवाने देती थी, पर अब अम्मा जी को देखो आप देख ही सकते हैं कितना अम्मा जी को अच्छा लग रहा था कि मैं वीडियो में मतलब बोल लूंगी। दोस्तों ये सारी चीजें आजकल म्यूजियम में ही देखने को मिलती है, अगर आप कहीं जैसे शिमला में जाओगे म्यूजियम में, या धर्मशाला या कहीं और होगा म्यूजियम, तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को जरूर मिलेंगी। मैंने भी देखी है कई जगह, ये जैसे चकोड़ू है, या चकोड़ू को तो मैंने देखा है, इसको मैंने नहीं देखा है, ये जो ओखली है और ये बत्तू है इसको तो नहीं देखा, पर चकोड़ू को देखा है। तो जब भी मैं ये घर पे देखता हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये सारी चीजें, और मैं काफी शौक रखता हूँ इस तरह की कलेक्शन होती है, जैसे पुराने समय की कोई भी चीज होती है ना, मैं उनको बहुत संभाल के रखता हूँ। दोस्तों मैं आपको अपने घर में जो भी पुरानी चीजों की जो कलेक्शन है वो मैं आपको अब अपने अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा कि हम मेरे पास कौन कौन सी और पुरानी चीजें हैं। दोस्तों मैंने और अम्मा जी ने पूरी कोशिश की है कि आपको कुछ समय कुछ साल पहले ले चलें, और जब उस समय के हिसाब से जो चीजें यूज होती थी उनको दिखाएं, ताकि आप लोग भी जान सके कि पहले का जो समय था वो कैसा था। तो आशा करूंगा कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बोलो अम्मा जी जय हिंद। जय हिंद अम्मा जी। याद आने समय आज वीडियो बनाए रहे ना, आज ते 20-30 साल बाद ये वीडियो देख गए तो मतलब याद आना कि ये भी समय था, तो अम्मा जी आए इकट्ठे वीडियो बनाते।